यूपीपीसीएस की उत्तर कुंजी पर बड़ा विवाद, कई सवालों पर आपत्ति। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल पर भी उठाए सवाल। अभ्यर्थियों की ओर से सी सीरीज की उत्तर कुंजी के इन प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से जारी की गई पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने गलत सवालों को गलत ठहराते हुए साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आयोग की ओर से पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को हुई थी। 17 मई को आयोग ने परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी थी। आयोग ने 24 मई तक अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित आपत्तियां मांगी हैं। प्रश्न संख्या 13, सी सीरीज का प्रश्न संख्या 13, सवाल है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। अभ्यर्थियों का तर्क, 2021 के तहत फॉरेस्ट कवर 6.15% है। आयोग का उत्तर बी है, अभ्यर्थियों का उत्तर ए है। आयोग के अनुसार दोनों सही हैं, जबकि अभ्यर्थियों के अनुसार न तो एक और न ही दो सही है। प्रश्न संख्या 85, सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। आयोग का उत्तर बी है, यानी केवल दो सही है, और अभ्यर्थियों का उत्तर सी है, न तो एक सही है और न ही दो सही है। अभ्यर्थियों ने इसके लिए उचित तर्क भी दिया है। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड संघ? अभ्यर्थियों का उत्तर ए है, आयोग का उत्तर ए है, जबकि अभ्यर्थियों का उत्तर सी है। आयोग का उत्तर ए यानी अनुशीलन समिति बताया गया है, जबकि अभ्यर्थियों का उत्तर सी है, अखिल भारतीय मजदूर संघ इसके लिए उत्तरदायी है। अभ्यर्थियों का तर्क भी दिया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, विपिन चंद्र की पुस्तक के पेज नंबर 144 पर इसका उत्तर दिया गया है। प्रश्न संख्या 112, खरीदादार कौन था? प्रगना का प्रमुख अफसर, शीश महल का प्रमुख संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी? आयोग का उत्तर डी है, जबकि अभ्यर्थियों का उत्तर बी है। आयोग का उत्तर डी है, डी यानी फरमानों को लेकर। आयोग के अनुसार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी है, जबकि अभ्यर्थियों के अनुसार शीश महल का प्रधान संरक्षक होता था। प्रश्न संख्या 116, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, ब्याज भुगतान 20%, करों और शुल्कों में राज्य की भागीदारी, विकल्प बी 18%, विकल्प सी सब्सिडी 9%, विकल्प डी रक्षा व्यय 8%। आयोग का उत्तर सी है, सी यानी सब्सिडी 9%। अभ्यर्थियों का उत्तर डी है, रक्षा व्यय यानी 8%। प्रश्न संख्या 150, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमिलित नहीं है? लखनऊ
4 जून, बी झांसी 11 मई 1857, सी मेरठ 10 मई 1857, डी बैरकपुर 29 मार्च 1857। आयोग का उत्तर बी है, जिसमें झांसी 11 मई 1857 दिया गया है। अभ्यर्थियों का उत्तर ए है, लखनऊ 4 जून, ये सही सुमेलित नहीं है अभ्यर्थियों के अनुसार। इस तरह से अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराई है।